के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ चॉकलेट पेड़ा की रेसिपी। ये बहुत ही क्विक है और उतने ही टेस्टी होते हैं, बस ये 10 मिनट में बनकर के तैयार हो जाते हैं। चॉकलेट पेड़े बनाने के लिए एक कढ़ाई में मैंने डाला है दूध पाउडर, 1 कप दूध पाउडर ले रही हूँ। उसके साथ ही 1/4 कप शक्कर और 1/4 कप दूध, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब इसके बाद मैं गैस की आंच कर रही हूँ ऑन। अगर मैं पहले से गैस की आंच ऑन कर देती हूँ तो जो दूध पाउडर है वो दूध के साथ मिलकर के लम्स क्रिएट करना शुरू कर देता है, इसलिए गैस की आंच मैंने पहले से ऑन नहीं की है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं गैस की आंच ऑन कर रही हूँ और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे। लगातार 1 मिनट तक चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मिक्सचर है आपस में कंबाइन हो गया है, शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है और जो कढ़ाई का तला है उसको छोड़ने भी लगा है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चॉकलेट पाउडर। मैंने यहाँ पे 1 और आधी चम्मच यानी कि 1.5 चम्मच चॉकलेट पाउडर का यूज़ किया है। आप चाहें तो 2 या फिर 2.5 चम्मच चॉकलेट का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें डाल देंगे लगभग 1 छोटी चम्मच घी। घी डालने से इसमें चिकनाहट बहुत अच्छी आएगी, बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी और हमारे पेड़े में शाइन बहुत अच्छी आती है। अब इसे लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पका लेंगे, लगभग 5 से 6 मिनट तक। चॉकलेट पेड़े का हमारा जो मिक्सचर है बहुत अच्छे से बनकर के रेडी हो गया है। अब मैं इसे गैस की आंच बंद कर दूंगी और एक प्लेट में निकाल दूंगी जिससे कि ठंडा हो जाए। इस प्लेट में मैंने पहले से तेल लगा लिया है जिससे कि हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। अब इसे थोड़ा ठंडा होना देते हैं ताकि हम अच्छे से अपने हाथों से इसे हैंडल कर सकें, क्योंकि अभी बहुत गर्म है तो पेड़े बनाना आसान नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे इसे आने देंगे। अभी ठंडा हो चुका है, इजीली मैं इसको हाथ से हैंडल कर सकती हूँ। तो मैं एक छोटा सा बॉल तोड़ करके इसका पेड़े का शेप दे दूंगी, कुछ इस तरीके से आप इसे राउंड करें ताकि बिल्कुल भी क्रैक्स ना दिखे इसमें। और अच्छे से रोल करने के बाद थोड़ा सा इसे इस तरह से प्रेस कर दें और उसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रख दें। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के काजू, बादाम, पिस्ता कुछ भी रख सकते हैं। मैंने थोड़े से कटे हुए बादाम और मेलन के सीड्स रखे हैं। तो ये लीजिए, हमारे सारे पेड़े बनकर के तैयार हो गए हैं। है ना बहुत ही आसान सी रेसिपी, आप भी अपने घर पे रक्षाबंधन में बनाइए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर।